फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर शहनवाज अली। अभी मैं आप सबके सामने हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट, समझिए, अपडेट है। इम्पॉर्टेंट एक सीटेट की तरफ से, एक कह सकते हैं कि न्यू अपडेट कह सकते हैं इसे, क्योंकि सीटेट ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसमें देखेंगे कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको खोलना है क्रोम, जो भी आप गूगल सर्च इंजन चला रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो क्रोम ही चला रहे हैं। क्रोम खोलना है, आपको सर्च करना है ctet.nic.in, ctet.nic.in। करने के बाद आपको सर्च करना है इसको। सर्च करने के बाद देखिए, आपके सामने ये खुलेगा पहले वाले पे। ये जो पहला साइट आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक कर दिए, फिर आपके सामने ये खुलेगा सीटेट का साइट। तिरंगा आपको दिखेगा, हर घर तिरंगा, ये वाला आपको दिखेगा यहाँ पे। ये सीटेट का ऑफिशियल साइट है, समझिए, ठीक है। आपको ना यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, इस जगह, इस वाले जगह पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको आएगा पॉपअप होके अपने आप डाउनलोड प्री एडमिट कार्ड सीटेट दिसंबर 2022, ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करना, ये एक दूसरा आ गया कि ऑनलाइन करेक्शन फॉर सीटेट 2022, इसको नहीं आया, ये अभी जो आया, ये वाला सीट डाउनलोड प्री एडमिट कार्ड सीटेट 2022, इसको आप, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब थोड़ा इंतज़ार कर लिया, चला गया है, हाँ ये आ गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप, आपको फिर से यहाँ पर नीचे आएगा, ये आपको दिखेगा, आपको दिख रहा है ये, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको एक तरह से ऐसे करके मैसेज आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये एक नया पेज खुल जाएगा। नया पेज में यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो भी आप जिस वक्त ऑनलाइन किए होंगे आपको एप्लीकेशन नंबर उस वक्त मिला होगा। आपका मेल पर भी आ गया होगा, मैसेज में हो सकता आया हो, और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके आप रखे होंगे। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालने के बाद फिर क्या करेंगे आप, अब दूसरे वाला जो है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डे डालना है सेलेक्ट करके, फिर यहाँ पे मंथ डालना है, फिर यहाँ पे ईयर डालना है, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन यानी कैप्चा, ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये वाला चीज़, ये जो नीचे दिख रहा है ना, यही चीज़ को देख देख के सेम इसमें फिल कर देना है सिक्योरिटी पिन में, ठीक है। ये करने के बाद आपको फिर सबमिट पर क्लिक मारना है। सबमिट पर क्लिक मारने के बाद आपका वो जो भी एडमिट कार्ड है, आपका सीटी वगैरह खुल के आ जाएगा। देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न वाले कुछ एस्पायरेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि उसका अभी नहीं आया होगा। इसमें हुआ है क्या कि फेज़ वाइज इन्होंने करवा रहा है, कुछ का पहले आएगा, कुछ का बाद आएगा, हो सकता है किसी का अभी आ जाए और कोई करेंगे उसका बताएगा कि आपका बाद में आएगा, अभी आप नहीं हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ ज़्यादा नहीं होना। जिसका आ जाए तो ठीक है, बस लेकिन सब चीज़ सही सही डालना है आपको। एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है, जो भी दिया है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये सिक्योरिटी पिन डालना है, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह के अपडेट के लिए इस साइट पे बने रहें। थैंक यू।